अल्लाह पाक ने जान बचा ली आ कि बच्चा हैगा सी ते ए तुहानू दसना इहनू लगी किवें किस तरह इहनू कच लगा उह वी तुहानू दसना देखो टांके दो लगे होए ने रात दे तकरीबन जी 10 बज रहे ने और बारिश जिहड़ियां ने शुरू हो गई है सारी अर्श पुंज पुंज रही है देखो कणियां पै रहीयां लेकिन इन्नी तेज बारिश नहीं है जिवें अगले दिन होई सी मट्ठी मट्ठी अल्लाह करे मट्ठी मट्ठी रहे क्योंकि तुहानू दस्सिया उस साइड वाला घर जिहड़ा हैगा ना गिर जाएगा जिन्ना बणिया इन्ना बहुत ही कम खराब हो जाना सिर्फ दो तीन दिन बारिश ना होवे छत वगैरह पै जाए परला कमरा ढा के मट्टी एको जी करती पानी निकलने की जगह माण गई ना फिर टेंशन कोई नहीं आ लाइट गई हुई सी तुहानू मैं विखा रहा सी अगे ए देखो बारिश जिहड़ी ना हाले तक हो रही है काफ़ी तेज तो नहीं हो रही लेकिन अच्छी खासी हो रही है और चिक्कड़ वगैरह सारा होया पिया और काफ़ी तेज तूफान भी है ना तुहानू झंडा हिलदा नज़र आ रहा काफ़ी तेज़ जिहड़ी ना हवा चली हुई है सोने शुक्र है बिजली आ गई है क्योंकि अंधेरे च मैनू भी जरा डर लग रहा है बैटरी चलाई हुई है लेकिन उधर बेगम साहब वाले तो UPS लगे हुआ अब्दुल वहाब ने कल काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी तो जरा है बाहर निकला फिर बेगम साहब ने पट्टी किस तरह की बनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम की हाल जन सर बनवी जाते अलहमदुल्ला जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक लेकिन कल ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन गई लेकिन अलहमदुल्ला अल्लाह पाक का शुक्र है कि चोट तो समझ लो कि टक तक काफ़ी ज़्यादा आ गया सी बहुत ही ज़्यादा लेकिन ना अल्लाह का शुक्र है कि ब्लीडिंग जी है ना खून वगैरह भी इन्ना नहीं वग्या तो फौरन जरा ना हॉस्पिटल जाके जो टांके वगैरह लगवाते अलहमदुल्ला भी शुक्र है कि इतने करके ना इस जगह से करके लग्या अगर कोई गले में लग जाता ना फिर काफ़ी ज़्यादा परेशानी टेंशन बन जानी सी और वक्ती तौर पर तो यह समझ लो कि उधर देगा पा गई सी रोज़ों का भी टाइम होया खड़ा सी और फौरन समझ लो कि वह भी अल्लाह पाक ने चलो जो भी होंगे अल्लाह पाक को अच्छा ही होंगे लेकिन अल्लाह पाक जी सब के बच्चों की जिन्ना खैर करे हिफाजत करे। कल जरा क्या भाई समान लैके चले गए सारा और रात को बारिश हुई सी काफ़ी ज़्यादा इनकी छत वगैरह पट्टी हुई सी फिर परनाला इतों जड़ा रखना पै गया काफ़ी ये भी काफ़ी टेंशन बनी रात को और हूँ जरा क्या भाई ने सारा तो पहले लाया मैं इनकी छत वगैरह जहाँ पट दे और सारा जरा गिरा दें वैसे ही कमरे की छत जी सारी ला ली आ हूँ इटा की जेड़ना वारी है जी इटा लाइया जा रही ने और बाकी सारा विच तो कच्चा है बस एक एक साइड से इट जी पक्की लगी हुई है। मिस्त्री साडा जेड़ा ना कुकड़ वेख लवे इन कुकड़ा का शौक पै जाता है हूँ कबूतर वेखी खड़ा हूँ जेड़ा कह रहा भाई कबूतर सानू जेड़ दे नवा कबूतर आया फिर किधर गया वह फिर ओ सामने कबूतर आया फिर नवा आ गई आ गई आ गई सट सट कबूतर की जी शिकारी ने इन्होंने फड़न का बड़ा शौक होंगे नवा कोई कबूतर आ जाए आया फिर फड़न की तो बड़ी कोशिश कर रहे लेकिन फड़िया नहीं जा रहा वैसे इन्हें काफ़ी सारे कबूतर वगैरह रखे हुए ने शराजी एक पिछे तू मिस्त्री कहड़ा पसंद की खड़ा जोड़ा है जोड़ा एक ब्लैक कलर का एक है जोड़ा फिर दूसरा कबूतर है सोने तैन मिस्त्री शराजी है ना ये शराजी कितना प्यारा है माशाल्लाह मैं पट रहा जी उपर वाली इटा एक एक जी लगी हुई है और जेड़ा क्या बारिश के कमाल ने सारे है मसा जेड़ा क्या कमरा होया पे कड़िया गाडा सारे ला लैन उपर वाली साइड तो कमरा ना बिल्कुल खाली होया पे सारा मुंडे आए हुए ने जिन्हों का समान है सो अपना जेड़ा गेट वगैरह भी पट दे पे एक पला से पट दिता से एक जेड़ा ना खुद पट रहे ने आ सुबह का जो नवा कबूतर उड़िया फिर यह मुंडा भी पिछे लगे हुआ सी ते ओ भी लगे हुआ सी सारे जने ते आ के साढ़े घर बह गया ए देखो ए सामने बिल्लिया कला ते कोनी फड़ी ना और अब्दुल वहाब साहब ने जेड़ा कहना शौक है पट्टी वेख इन पट्टी खोलने से हवा लगन दे कुछ नहीं आता कर मुड़ तेन मैं कबूतर बाद बनाना अं लिया चल उ मां को चल ऐला फाड़ बी
जी ना पट्टी लवाई सी, पट्टी जेड़ ना खोलती है, शुक्र के अल्लाह दा शुक्र के बच गया है। वैसे ही बड़ा तकड़ा उन्हें टांके वगैरह लाए ने ना, रुना शुना कोई नहीं गया, मैं फड़े होया सी नाल अम्मी गई सी। ए देखो उतना कर फिर देखो ये शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जान बचा लिया कि बच्चा हैगा सी। तो यह तुम दसना इन लगी कि किस तरह इन कच लगा, वह भी तुम दसना। देखो टांके दो लगे हुए ने इतों रख के, तकरीबन इन्ना सारा तकरीबन इंची डेढ़ इतना काफ़ी गहरा जख्म हो गया सी अंदर तक। तो इतने ना इतने गले तो लग जाता तो बच्चे की जान में खतरा है सी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन यह कि हूँ मैं बेगम साहबान लड़िया भी हाँ कल कि बिल्कुल बच्चों को कच के गिलास के तू कोई शह नहीं देनी बिल्कुल ही कच के गिलास नहीं, क्योंकि इन्हें दिता सी कच का गिलास है दिती सी बोतल बच्चा पी रहा है, यह डिगया इन ठुडा आया तो यह डिगा वो जिते मोटरसाइकिल था उत्थे डिगा है कच द गिलास से टुट गया तो उवें डिगा उन्हें उत्ते तो वह जरा गाँव इतने जेड़ थले बह गया। तो साड़ी तो समझ लो हालत पै गई अचानक, तो शुक्र है कि जो परेशानी हटी ने भी बच गया, फिर जाके टांके वगैरह लवाए तो अल्लाह किया मतलब खून वगैरह ब्लड वगैरह भी इन्ना जेड़ा कोई नहीं होया, अल्लाह का शुक्र है बच गया। तो वैसे साडा जेड़ा माशाला मुंडा तकड़ा है, क्यों वहाब तकड़ा है, हाँ तकड़ा है कबूतर ना फड़न की बड़ी कोशिश की फड़ी जा नहीं, लेकिन उसे इनके घर वाले जेड़ा कोठे से चला जाए आपे हूँ फड़ लाए, थोड़िया बहुत कणियां जड़िया ना पईयां ने हुण भी थोड़िया बहुत पै रही ने, और फटाफट दो मुंडे जड़े ना होर ला दिते ने, मैं कहा जल्दी जल्दी जड़ा है ना अला कमरा सारा गिरा देवीए ताकि इस कमरे नाल पानी वगैरह जड़ा है ना ना पवे, क्योंकि पहले भी इनू काफ़ी सारा पानी वगैरह पिया अल्लाह किता उदों बच गया सी, हुण भी जड़ा क्योंकि बदल काफ़ी गहरे जड़े ना बन चुके ने इस साइड तो हो सकता कि रात में जी बारिश हो जाए। दो मुंडे काम कर रहे हैं जी, शाम तक उम्मीद है कि सारे वाली दीवारा वगैरह क्लीयर करके ना, क्योंकि इस साइड तो करनी है जी, चार दीवारी बैक साइड तो रह गई तो यह साइड रह गई उतों लैके आनी है, जिस तरह यह दीवार बनी हुई है ना इस साइड तो ही दीवार बनानी है। माशाला ऐ फुल भी जरा है ना उन खिलिया खड़ा है, इन्ना प्यारा लग रहा है। मेहमान आए बैठे ने जी भाई जाफिर उड़ी, उन्होंने पूछने उन्होंने को अगर रोजे ने तो फिर तो ठीक है, अफतारी टाइम तक फिर साढ़े को बैठन गया, अफतारी करके जावे अगर रोजे नहीं है तो फिर उन्होंने कोई ना खाण पीन का बंदोबस्त करने, और साडा ही आंधी पता नहीं रेसिपी जी कदों बननी है गुलाब की, उन्नी देर तक गुलाब ही साढ़े ना खत्म हो जाए, बहुत ज़्यादा माशा लगे। और काफ़ी सारे बहन भाइयों के कमेंट आए थे कि नवाज भाई किसी ना कोई गुलाब की रैसपी भी देख के ना इनकी रैसपी वगैरह बना लो, और माशा लगे हो कि थले भी टुट टुट के डिगे पे ने माशाला। बच्चों ने स्कूल च लाया जाता है नई सिस्टर नू रोज़ा हैगा सी, और भाई जाफिर रोज़ा कोई नहीं हैगा सी, इनू जेड़ा ना नाश्ता पानी कराता, लेकिन बच्चों ने रोज़ा कोई नहीं है तो बच्चों वास्ते बेगम साहबा जेड़ा ना बना रही है जी नाश्ता पानी बच्चों का, और भाई और जेड़े हैगे ना समझ लो तैयार हो बैठन कह रहे सी जेड़ा जाने। अच्छा बारिश तो अगे होती रही इतने थोड़ी बहुत, लेकिन अल्लाह किता कि थोड़ी कणियां पईयां ने फिर चला गया। इस गल की काफ़ी ज़्यादा टेंशन परेशानी हैगी सी, कड़ियाँ गाडर मैं क्या कोई ना चक के ना लै जाए, भाई और जो घरों बुलाया मैं क्या तुम पट के चले गए हो और अपना जरा लैके जा रहे रेहड़ी से जेड़ा लैके नहीं तो शाम को जोड़ा है ना कड़ियाँ गाडर चक के सू उस घर के जरा रखने पैने से अगे भी जेड़ा इवें किया। और कमरा साडा तकरीबन सारा पटीज गया, एक फरंट छड़ के फरंट वाली दीवार आले खड़ी हुई है, बाकी सारा सारिया कच्चिया इटा है, और ये इटा चक के ना रख लवेंगे, बैक साइड वाली जो दीवार हैगी ना तो नज़र आ रही ये वाली बनानी इंदा इंशाल्लाह। और बदल तुसी देखो किन्ने गहरे बन चुके, मौसम वाले बारिश दसी है लेकिन हो सकता है कि रात को बारिश हो जिवें कल हुई सी, पहले सप निकलिया तो हुण जिहड़ा ना की निकलिया विचों दमूई है, देखो पता नहीं की बला निकली है पड़दी भी मार इन पर तकरीबन असी इस कमरे ना तीन सप जेड़े ना समझ लो कि मारी खड़े हैं, सारे मार दिते ने, वैसे असी पहले छड्डू सी ले फिर नहीं छड़े, बच्चे होंदे ने छोटे छोटे पिछे खेतों के भी ना लड़ सकते, इस करके असी ना मार दिते, एचों वैसे निकलते रहते हैं जो रंगे वठूए वगैरह काफ़ी सारिया चीज़ा निकल, क्योंकि कच्चिया दीवारा है इस करके। इस बारी ना इटा वाला जो बाई है ना उन्हें साढ़े ना एंड ते आ मिस्त्री अपने ना धोखा कर लिया है, इवें ना
क्योंकि तीसरा दिन ने मैं उधर भी गया सी, कल कर करके थकिया पे, कदे कदे सुबह गलता पे, कदे कदे शाम शाम आज तक नकारा किया, इट्टा खत्म हो गई ने, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਢਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਢਾ ਕੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸੁਬਹ ਜੁਮਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕਰ, ਜੁਮੇ ਟਾਈਮ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਵਗੈਰਾ मुकम्मल होगी ना फिर कोई मसला नहीं, फिर मिट्टी की बर्थी हो जाएगी, फिर मेरी टेंशन खत्म। हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है जी, माशाल्लाह। मिस्त्री भाई और चले गए ने, रोज़ा भी इफ्तार हो गया और आज मैं रोज़ा नहीं रख सकिया सी, उनकी वजह यह है कि बेगम साहबा ने कहा जी उठाया, अलार्म मैं लाया हुआ सी लेकिन ना मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, मोबाइल हो गया जी बंद, अलार्म नहीं बजा। और सुबह साड़ी आँख खुली जी 5 बज के तकरीबन 50 मिनट के 55 मिनट हो गया सी, क्योंकि बच्चों ने सुबह 6:10 स्कूल भी जाना होंगे और मसा मसा बच्चों ही सुबह नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं करा के भेजा सी, बिस्कट वगैरह जूस वगैरह उतों लैके दिता सी चौंक तो उन्होंने लैके भेजा। और बेगम साहबा अगे उठ जाती सी, बेगम साहबा ही कोई नहीं उठी, ये भी जरा रात काफ़ी लेट तक जरा जागते रहे क्योंकि कोई आवाड़ गवाड़ काफ़ी सारे बैन बई ने पूछन भी आए थे अब्दुल वहाब न, इस करके जरा काफ़ी तकरीबन रात को 12:00-1 बज गए से सौद्या सौद्या, तो लेट सौन की वजह तो जरा काफ़ी उठ भी नहीं सके, इस करके ना रोज़ा रखे ही कोई नहीं। अब्दुल हादी साहब जी सो रहे आराम सुकून में और बाकी बच्चे देख रहे हैं जी टीवी। रहमत करे जी बच्चे जितने की चाहे मेरे बच्चे ने चाहे किसी होर बच्चे ने, मैनू बच्चे बहुत ज्यादा जगह प्यारे लगते हैं ज्यादातर, और बच्चा इन हो ना बेगम साहबा नु अच्छी खासी डांट हुई, अच्छी खासी दी तबीयत खुश हो गई, मैं कान फड़े ने दूसरी बार फिर फड़दी पे इंदा गलती, मैं बड़ी बड़ी बार रोक के हां बिल्कुल कच दा ग्लास नहीं देना बच्चियां ने, कदे भी नहीं देंदी, मेनू आज सजा बहुत ज्यादा समझे मिल गई है, शुक्र है अल्लाह पाक दा, चढ़ी हुई है माड़ी जी ते इनु हाथ ना बिल्कुल लावण देना ठीक है ना, नहीं इस वजह से ते चक्के होया है, इंशाल्लाह 2-4 दिन तक सेट हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आज व्लॉग अपलोड करना बड़ा मुश्किल हो जाना, मिस्त्री भाई और इसे चले गए लेकिन बारिश हाले तक नहीं गई, बारिश हाले तक हैगी और बारिश आस्ता 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 चली जा रही है, काफ़ी देर तकरीबन 1/2 घंटा हो चुका, बहुत बारिश हो रही है लेकिन तेज नहीं आ जिनी हो रही इन्नी काफ़ी टाइम भी होने लगी और बदल भी बने हुए ने। और ना अचानक एक फैमिली ना मिलन आ गई इस्लामाबाद वाली साइड तो, वो मसलन लंघे जा रहे थे पूछ दस के आए ने, और ना दूसरी गल यह कि मैं कह रहा सी उधर जिहड़ा कहना काम सारा मट्टी ना बुरड़िया होया मेरे वालों ती सारी मट्टी छुट्टी वो कर रहे थे पट रहे जगह जुगह तो पुराई वगैरह दे रहे थे क्योंकि बारिश जी माड़ी मोटी हो रही थी, मैं कह रल मिल के सारे जेना कर लवी काम ताकि जेना बारिश वगैरह ज्यादा भी हो जाए ना तो साड़ी उसरी उसराई दुकान ना गिर ना जाए और मट्टी ना परे हुए सी और भाई वेखी परेशान हो गया होंगे कि यूट्यूबर का की हाल है, घर के काम है, घर के काम तो फिर जगह करने पैंते, बाकी उन्हें कुछ खाया पिया कोई नहीं है, बस मिले ने तो जरा कहना फॉरन जहाँ चले गए, बाकी कोई भी आंदा है वेलकम, कोई मसला नहीं, किसी को मिलन वास्ते मना नहीं करते कि सानू कोई मिलन ना आए, दिहाड़े जी भावें कोई 10 बंदे सानू मिलन आवे, लेकिन 7 बज गए ने कल शाम को इसे तरह ही वीडियो बनाई सी लेकिन उतो काफ़ी वजे हुए और बारिश ना माशाल्लाह अच्छी खासी हो रही है, तुसी देख सकते हो और अंधेरा होना शुरू हो गया और मैं अपने तोतियां नू टाइम हुण दे रहा जी, इन्हां नू खाना वगैरह खिलाया और माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए ने देख लो, पर सारे इन्हां दे हुण निकल आए ने चिंगा मार रहे अपने आप नू ही हुण माशाल्लाह इन्हां दे पर वगैरह निकल रहे ने, हाँ सानू खाना वगैरह चक मार देने, इन्होंने खाना वगैरह चक नहीं मारते वैसे ना जिम्मे खाना खाना हो ना इस तरह कर देना किन्ने क्यूट है माशाल्लाह, और खाना इन्होंने खिलाता है और बल्ब वगैरह जो मैं ऐल लाया हुआ जी, इन इस करके बल्ब लाया हुआ क्योंकि
अगर थोड़ी बहुत जिस तरह बारिश हो रही है ठंड वगैरह तो इन्होंने बहुत बचाना होंगे। पहले इन्होंने ठंड लगी है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अल्लाह का शुक्र बच गए ने और इनशाला इन्होंने मैं वड्या जरा करना जरूर करा। इस करके बल्ब लाया हुआ कुछ इस तरह बंद कर देता बल्ब तो इन्होंने लगती काफ़ी हीट वगैरह फिर जरा ना बिल्कुल सेहतमंद रेंगे। और इन्हों की सब तो वड्डी जी कमजोरी है ना वह है जी ठंड, इन्हों ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। थोड़ी जी ठंड हो तो ये बिल्कुल ना इंज महसूस होंगे जे ना बस मर जावे। लेकिन ये शुक्र है कि मैं जुगाड़ लाया इन्हें ना बिल्कुल जरा क्या हूँ फिट ने इन्होंने वास्ते भी समझ लो कि हीटर लगे हुआ। बाकी जी अज का व्लाग इतने खत्म करने और काफ़ी सारे बहन भाई ये जरूर कहे कि नवाज भाई तुम जरा सिर सदका दो इनशाला जी सिर सदका मैं पहले भी देईदा बच्चों का भी अपना भी दिता रहना, लेकिन इनशाला मजीद जरा ना होर देंगे क्योंकि ना एक तो पुतला जो भी निकला से पता नहीं पुतला हैगा भी सही इवें बंदा शक न जरा क्या पै जाता मैंने बहुत ये चीज़ा जो बुरी लगदिया ने। और बाकी इनशाला जरा अल्लाह पाक करम करेगा और जो होंगे अल्लाह पाक अच्छे वास्ते करता कोई इस तू वी शायद कोई साढ़े तो मुसीबत आने वाली हो थोड़ी जी इनकी वजह जो टल गई हो। बाकी इनशाला जी कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं इस कमरे सौंदा हूँ और बाकी फैमिली जी परले कमरे सौंदी होंगी क्योंकि रात को मैं बैटरी रखी हुई है सर रात ना पहरा वगैरह भी देना होंगे इस करके इधर फिर थोड़ा काफ़ी जाना नज़दीक हो जाता है। और जी ए सारे देखो किवें खिरले पैने बैठे डिगेगा अब्दुल हादी ओए सुकून मार रहे और आराम चाह पीसो चाह बना दे आई तो बनी खड़ी है सर्दी ठंड बन बारिश हो रही है ना ये बारिश पता नहीं रुकेगी भी नहीं कि कल दी लगी हुई है हाले तक सारा दिन भी थोड़ी थोड़ी होंदी रही हूँ फिर हाले तक तो उवें ही हो रही है हाले तक नहीं रुकी इन वैसे दूध पता नहीं अच्छा भी हैगा कि नहीं है जख्म दी पर चलो अल्लाह बार के सुबह ना विखावे डॉक्टर ने जाके कोई इंजेक्शन वगैरह या दवाई वगैरह मजीद होर लेवे सही है ना हाँ जी लैबन जेड़ा ना खिंची फिर अब्दुल हादी नू तेन चक्की फिर है तेन चक लिया सुन।